नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर की जामिया मस्जिद में हजारों की संख्या में लोगों ने जुम्मतुल्विदा की नमाज अदा की। बीदर शहर में क्रांति गणेश मंदिर में पूजा आदि की गई। सीएम समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। इस साल के रमजान के माह का आज आखिरी शुक्रवार रहा। जिले भर के बड़े मस्जिदों में खरी जुमा की नमाज अदा की गई। बीदर शहर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज का इंतजाम किया गया। हालांकि इस ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में लगभग 1000 लोग एक समय में नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बावजूद आज मस्जिद के बाहर लगभग चौबारे के आसपास भी लोग नमाज के लिए खड़े हुए। आज हजारों की संख्या में जामिया मस्जिद में लोग नमाज के लिए जमा हुए। नमाज आज दोपहर 2 बजे अदा की गई। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न मस्जिदों में भी नमाजियों की संख्या दिख रही। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। आज पूरे मुसलमान को, भाइयों बहनों को और पूरे भारत के वासियों को मैं जुम्मतुल्विदा की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि रमज़ान का जो महीना है उसमें ये आखिरी जुम्मतुल्विदा थी, आखिरी जुमा थी। आज बीदर के इस चौबारा के पास में जो बीदर की बड़ी जामे मस्जिद है वहां पे हम आज नमाज अदा करें। यहां पे पूरे बीदर शहर के आसपास के गाँव के सभी लोग इस मस्जिद में आके जुम्मतुल्विदा की नमाज अदा किए हैं और इतनी धूप होने के बावजूद भी काफ़ी हज़ारों की संख्या इस मस्जिद में और इस मस्जिद के पास आसपास में खुले मैदान में टेंट डाल के उन्होंने इंतज़ाम किया है। मैं जामे मस्जिद के कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर को और कमेटी के तमाम मेंबर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कमेटी इतना से अच्छा से इंतज़ाम किया है। ख़ासतौर पर धूपकाले के मौसम में धूपकाला है, इतनी घड़ी धूप रहने के बावजूद भी टेंट डाल के जानीमास का, वजू खाने का, तहारत खाने का तमाम इंतज़ाम किए हैं। उसके साथ साथ बीदर के एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपाल्टी हो या डिप्टी कमिश्नर हो या केबी लाइट हो, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो, ये सभी लोगों का इंक्लूडिंग यहाँ पे जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब मीडिया आया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौके पे, अभी कुछ ही दिन में, 4-5 दिन में ईद भी आने वाली है, मैं ईद की भी तमाम हिंदुस्तान के हमारे सभी भाई भाइयों को और तमाम लोगों को भी ईद की भी आने वाली ईद की मुबारकबादी देता हूँ। बीदर शहर के शाहगंज स्थित प्रसिद्ध क्रांति गणेश मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान गणेश, शिवलिंग, नागदेवता, शहीदी और कलशारोहण के नए मंदिर का समारोह पूर्वक समर्पण किया गया। 3 बजे से मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कलशायात्र प्रतिष्ठा, संकल्प, धान्य दिवस देवता हवन, अग्नि प्रतिष्ठा, वास्तु हवन, नवग्रह हवन, जलादि दिवस जैसे कार्यक्रम हुए। तारे को शांतिपीठ देवता आह्वान पूजा, देवता श्रया दिवस, वास्तु राय हवन, प्रसाद अन्यास का आयोजन किया गया। शुक्रवार सुबह 5 बजे यंत्र एवं प्राण प्रतिष्ठापन, हवन, अलंकरण, महापूजा हुई। सुबह 9:30 बजे श्री नरसिम्हा वासुदेव दीक्षित के नेतृत्व में पूर्ण आहुति, महामंगलारती एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष शासित राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और धन के स्रोत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। एक सम्मेलन प्रजाध्वनि 2 का उद्घाटन करने और शहर में कांग्रेस उम्मीदवार बीएन चंद्रप्पा के लिए प्रचार करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी खुद को चौकीदार कहते हैं, वह कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते। हालांकि भाजपा लालच देती है, विपक्ष विधायक 25 करोड़ रुपए लेकर अनैतिक तरीके से सरकारें गिराते हैं, फिर यह उनके पुनर्चुनाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। देश के लोगों को ऑपरेशन लोटस पर खर्च किए गए धन के स्रोत के बारे में कोई संदेह नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गिर सकती है। सीएम सिद्धरामैया ने हाल ही में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मैसूर में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि वह अपनी स्थिति बरकरार रख सके। शेट्टार ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगर कांग्रेस मैसूर निर्वाचन क्षेत्र में हार जाती है तो सीएम अपनी सीट खो देंगे। बेलगावी में एक संवाददाता सम्मेलन में शेट्टार ने कहा कि अधिकांश कांग्रेस विधायक अपने पार्टी नेतृत्व से नाखुश है क्योंकि सीएम डीसीएम और कैबिनेट मंत्री उन्हें कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया, यह स्पष्ट संकेत है कि यह सरकार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गिर जाएगी। शेट्टार ने कहा कि सरकार के खिलाफ अपने बयान को और पुख्ता करने के लिए हाल ही में एक कांग्रेस विधायक ने खुला बयान जारी किया कि अगर कांग्रेस मैसूर सीट से हार जाती है तो सिद्धरामैया को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को गिराने के लिए किसी तरह के ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सरकार अपने आप गिर जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र के इस दावे को सरासर झूठ करार दिया कि कर्नाटक को सूखा धन जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि राज्य सरकार ने प्रस्ताव 3 महीने देर से प्रस्तुत किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टकरावपूर्ण संघवाद में शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस मुद्दे को पहली बार उठाए जाने के 8 महीने बाद मोदी सरकार अब अपनी निष्क्रियता का बचाव करने के लिए कहानियां गढ़ रही है। रमेश ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने मई 2014 में अपनी पारी की शुरूआत सहकारी संघवाद के बारे में बड़ी बात करके की थी, इसके बजाय उन्होंने जो किया वह टकरावपूर्ण संघवाद है। सहकारी संघवाद आम सहमति पर आधारित है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक विलक्षण अनिच्छा और अक्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, इसके विपरीत टकरावपूर्ण संघवाद संघर्ष और विभाजन पैदा करने पर आधारित है जो प्रधानमंत्री और उनके गृहमंत्री का मूल कौशल है, जैसा कि गृहमंत्री के सबसे हालिया दावे से पता चलता है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। कर्नाटक में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची में एक खास बात जनता दल सेक्युलर के प्रथम परिवार के सदस्यों की मौजूदगी है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी, दामाद सीएन मंजुनाथ और पोते प्रज्वल रेवन्ना सभी मैदान में हैं। जहां राज्य जेडीएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी मंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं प्रज्वल रेवन्ना हासन से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गठबंधन सहयोगियों के बीच समझौते के अनुसार प्रख्यात हृदरोग विशेषज्ञ मंजुनाथ भाजपा के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने विजयपुरा जिले के लच्छाना गांव में बोरवेल में गिरे लड़के के सफल बचाव में शामिल टीमों के प्रयासों की सराहना की। पाटिल ने जिला प्रशासन को खुले छोड़े गए बोरवेलों की पहचान करने के लिए जिले में एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। कानून में बोरवेल को खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने चेतावनी दी कि बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे काम करने वाले सभी लोगों के प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि छोटा लड़का अपने माता पिता की गोद में वापस आ गया है और बच्चे के परिवार और देश भर के लाखों लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई है। सीएम ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि अगर ट्यूबवेल बंद नहीं किए गए तो ये खतरा पैदा कर सकते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने और राज्य के विकास के लिए जेडीएस बीजेपी गठबंधन का बचाव करते हुए अल्पसंख्यकों और दलितों से समझदारी भरा फैसला लेने की अपील की। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अहिंदा वोटों का एकजुट होना उनके बेटे निखिल की हार के पीछे एक कारण था। कुमार स्वामी ने अहिंदा अल्पसंख्यक दलित और पिछड़े समुदाय वोटों को काटने के लिए दलितों और अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाई, जो एक बड़ी आबादी है। पूर्व सीएम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मंडिया में अपना हमला तेज कर दिया और हाल ही के वर्षों में सूखी फसलों और कृषक समुदाय की दुर्दशा का मुद्दा उठाकर भावनाओं से खिलवाड़ किया। सरकार ने उदारतापूर्वक तमिलनाडु को पानी दिया, लेकिन खड़ी फसलों को बचाने के लिए नहीं। सूखे गन्ने के खेत देखकर हमारा दिल जल जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस पर हमला करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जल्द ही डबल इंजन की सरकार आएगी। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वनाथ ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सभी विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने मंडिया में बीजेपी जेडीएस रैली में कहा, चुनाव के बाद सुपर सीएम और शैडो सीएम वाली कांग्रेस ढह जाएगी और बीजेपी जेडीएस गठबंधन डबल इंजन की सरकार बनाएगा। सावंत को लगता है कि अगर जेडीएस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव पूर्व गठबंधन किया होता तो जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री होते। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामिया मस्जिद में हजारों की संख्या में लोगों ने जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। बीदर शहर में क्रांति गणेश मंदिर में पूजा आदि की गई। कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।